डिंडौरी जिले की आदिवासी परंपरा और प्रकृति प्रेम की गोंडी पेंटिंग को जीआई टैग मिलने से अब इनके चित्रकारों को देश विदेश में एक अलग ही पहचान मिलेगी। गोंडी चित्रकारी के लिए भज्जू श्याम और दुर्गाबाई व्यास को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। गोंडी चित्रकला को अब जीआई टैग मिल गया है। इसकी शुरुआत करने वाले डिंडौरी जिले के पाटनगढ़ निवासी जनगढ़ सिंह श्याम ने 1980 में सबसे पहले पेपर और कैनवास पर आदिवासी परंपरा और प्रकृति को उकेरा। तब से लगातार पाटनगढ़ गांव के अनेक चित्रकार इस कला से जुड़ गए। वर्ष 2018 में भज्जू श्याम और वर्ष 2022 में दुर्गाबाई व्यास को गोंडी चित्रकारी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस चित्रकला में विशेष रूप से शेर, भालू, मोर, मछली, नदी, तालाब, खेत, पहाड़, जंगल के साथ आदिवासी परंपरा और देवी देवताओं के चित्रों का वर्णन किया जाता है। पाटनगढ़ गांव की इस आदिवासी चित्रकला को हस्तकला का केंद्र बनाया गया है, जिसमें महिलाएं सीखने के साथ ही डिमांड पर कपड़ों सहित कपड़े के बैग, साड़ी, दीवार और पेपर पर आकर्षक गोंडी पेंटिंग बनाती है। हमें वो पद्मश्री मिला और वहाँ से पूरे गोंड आर्ट का एक सम्मान हुआ, गाँव का और जिले का भी नाम हुआ। तो इससे अब गोंड आर्ट में बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और वहाँ से और भी आर्टिस्ट निकल रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें सिर्फ गोंड और प्रधान है, गोंडों की उपजाति प्रधान है, तो मैं प्रधान हूँ और गोंड और प्रधान इसमें काम करते हैं, ज़्यादातर लोग इसी में हैं। लेकिन अब इसमें बहुत दूसरे कास्ट के लोग भी आए हुए हैं और वो करते हैं, करवाते हैं, करना चाहते हैं। जीआई टैग का मतलब सिर्फ ये है कि ये पेंटिंग स्पेशल जियोग्राफिकल इंडिकेशन है कि ये डिंडौरी से बनी हुई है, तो अब डिंडौरी की पेंटिंग को अलग माना जाएगा। तो हम लोग पहले कोई ऐसी थीम बनाएंगे, जो भी पेंटिंग ऐसी मार्केट में आने जा रही है, जा रही हैं, उसमें डिंडौरी की सील लगा सकें कि हमारा है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। साथ में हम कुछ चाहते हैं कि ये पेंटिंग की जो रेट्स हैं थोड़े कम हो, ताकि आम जनता तक इसकी पहुँच बन जाए। अर्थात विभिन्न बच्चे, स्कूल्स के गए चिल्ड्रंस और जो रिसर्च के लोग हैं उनको भी बुला बुला के हम लोग इसको पेंटिंग्स के साथ में जोड़ना चाहते हैं, ताकि कुल मिलाकर ये पेंटिंग इकोनॉमिकल रेंज में आ जाए और उसमें साथ में आम जनता को उसे जोड़ पाए ना, सिर्फ केवल बड़े लोगों के ड्राइंग रूम में बने लायक रह जाएगी। तो हम लोग इसीलिए इसके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, छोटे मिनिएचर ला रहे हैं, ताकि ये कॉमन रेंज में आके मिडिल क्लास आदमी की रेंज में भी आ सके और आम जनता की पेंटिंग करा सके। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।